कश्मीर घाटी को दहलाने की पाकिस्तानी आतंकवादियों की नापाक कोशिशों को सुरक्षा बल लगातार नाकाम कर रहे हैं। कश्मीर घाटी के कनाचक के दायरान इलाके में ड्रोन से भारतीय सीमा में भेजे गए एक आईईडी बम को सुरक्षा बलों ने आज निष्क्रिय कर दिया। ये आईईडी बच्चों के टिफिन बॉक्स में रखकर भेजे गए थे। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ ने कल रात कनाचक इलाके में एक ड्रोन गतिविधि देखी और ड्रोन पर लगातार गोलियां चलाई। तत्काल पुलिस दल को तैनात किया गया और ड्रोन विरोधी एसओपी का पालन किया गया, जिसमें ड्रोन से जुड़े पेलोड को नीचे गिराया गया। पेलोड में बच्चों के टिफिन बॉक्स के अंदर 3 चुंबकीय आईईडी पैक किए गए थे, जिसमें अलग अलग समय के लिए टाइमर सेट किया गया था। सुरक्षा बलों द्वारा आईईडी को फिलहाल निष्क्रिय कर दिया गया है और एक नियंत्रित विस्फोट के माध्यम से इसको फैलाया गया है, जिसमें एक मामला भी दर्ज किया गया है। सुरक्षा बलों को यह आशंका है कि पाकिस्तान की ओर से किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग की गई थी। आईईडी में टाइमर सेट करके भेजा गया था। बता दें कि आज ही कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के चकतारसकंदी इलाके में मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक पाकिस्तानी आतंकवादी तुफैल समेत प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्करे तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए हैं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।